नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। लक्की बहुत सालों बाद अपने गांव जाता है अपनी कजन की शादी में। लक्की के गांव के बगल में एक शमशान घाट था, वहीं पर उसकी बस खराब हो जाती है। लक्की बस से उतर के सोचता है कि किसी को बुलाने से अच्छा है कि मैं पैदल अपने गांव चला जाऊं। पर लक्की शमशान घाट को देखकर कुछ डर भी रहा था, और लक्की शमशान घाट के अंदर एक सफ़ेद सा साया देखता है। लक्की डर से उस साए को देखकर कांपने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब लक्की को लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। तभी लक्की का हाथ किसी ने पकड़ा और लक्की डर से बहुत तेज चिल्लाया। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा कि लक्की के गांव के मुन्ना चाचा ने लक्की का हाथ पकड़ा था। मुन्ना चाचा ने एकदम सफ़ेद कपड़े डाले थे, जिसे देखकर लक्की बोलता है, वाह मुन्ना चाचा, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मुन्ना चाचा बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो लक्की को बहुत प्यार भी करते थे। मुन्ना चाचा को देखकर लक्की के जान में जान आई। लक्की मुन्ना चाचा से बोलता है, चाचा आप यहाँ पर कैसे आए, क्या किसी काम से शहर गए थे। लेकिन मुन्ना चाचा लक्की की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस हंस रहे थे। लक्की चाचा से बोलता है, अच्छा हुआ चाचा आप मिल गए, नहीं तो मैं मर जाता। वहाँ शमशान घाट में मुझे एक सफ़ेद सा साया दिखाई दिया था। मुन्ना चाचा इशारे में लक्की से बोलते हैं कि अब मैं साथ में हूँ, डरने की कोई बात नहीं। लक्की बोलता है, चाचा मदन और गांव में सब लोग कैसे हैं। लक्की की हर बात का जवाब मुन्ना चाचा इशारे में दे रहे थे। लक्की को ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर लक्की को लगा, हो सकता है मुन्ना चाचा का बोलने का मन ना हो, इसलिए चाचा कुछ बोल ना रहे हो। अब शमशान घाट पार करते ही लक्की के कजन मदन का फोन आता है। वो लक्की से पूछता है कि लक्की तू कहाँ तक पहुँचा। लक्की मदन को बोलता है कि अभी अभी मैंने शमशान घाट पार किया है। मदन लक्की से बोलता है कि तेरी गाड़ी तो बिक्रमपुर तक आने वाली थी, फिर तूने शमशान घाट कैसे पार किया। ऐसा बोलकर मदन लक्की को बोलता है कि तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। लक्की फ़ोन जैसे ही रखता है और मुन्ना चाचा को देखता है तो मुन्ना चाचा वहाँ पर नहीं होते हैं। लक्की इधर उधर मुन्ना चाचा को आवाज़ देकर ढूंढता है, चाचा कहीं नज़र नहीं आते हैं। तभी थोड़ी देर में मदन बाइक लेकर आता है और लक्की को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचकर सब बोलते हैं कि तुम कब्रिस्तान वाली तरफ से क्यों आ रहे थे। तो लक्की बोलता है कि गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे उधर से आना पड़ा। मदन लक्की से बोलता है कि तुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते में डर नहीं लगा, तू मुझे फ़ोन करके बुला लेता। लक्की बोलता है कि मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते में से आ रहा था तो बहुत डर गया था, कब्रिस्तान में मुझे एक सफ़ेद साया भी दिखा, डर के मारे मैंने अपनी आँखें बंद कर ली, तभी मेरा हाथ मुन्ना चाचा ने पकड़ लिया। मुन्ना चाचा को देखकर मेरी जान में जान आई और फिर वो मेरे साथ चलने लगे। पर मदन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुन्ना चाचा मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, खाली इशारे में बातों को समझा रहे थे। फिर तेरा फ़ोन आया, मैंने फ़ोन पर बात की, उसके बाद चाचा पता नहीं कहाँ चले गए। लक्की की ये सारी बात सुनकर मदन और घर के सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा देखकर लक्की पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं।
तो मदन बोलता है कि मुन्ना चाचा को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं, फिर वो तुम्हारे साथ कैसे थे। ये बात सुनकर लक्की भी चौंक जाता है और ये लक्की की जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा है जिसे लक्की कभी भी भूल नहीं पाता है। अब मदन लक्की को शांत करता है और कहता है कि मुन्ना चाचा ने तो मर कर भी तेरा साथ दिया, तो अब तू परेशान मत हो, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन लक्की अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल नहीं पा रहा था। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।